इसके बाद बालौर जिला प्रशासन ने फुटकर धान व्यापारियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियां जब्त कर थाने में खड़ी कर दी। तो वहीं दूसरी ओर 21 नवंबर को ग्राम चिटोद में पकड़े गए 223 कच्चे धान के मामले में व्यापारी ने हाईकोर्ट में मामला दायर किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन को व्यापारी की धान से भरी गाड़ी को छोड़ना पड़ा। जिला प्रशासन ने मामले में व्यापारी पर मंडी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया और मंडी सचिव की माने तो व्यापारी का धान अवैध था। तो वहीं व्यापारी सलीम खान की माने तो कार्रवाई असंवैधानिक है, उसने मंडी अधिनियम के तहत पर्ची कटवाकर ही धान का परिवहन किया था और उनके पास मंडी लाइसेंस भी है, जिसको लेकर वो जिला प्रशासन और मंडी सचिव के खिलाफ अपील करने की बात कर रहा है। हाईकोर्ट में हमने बताया कि भाई हमने 20 तारीख को धान सलीम एंड कंपनी से एचएमटी ट्रेडिंग धमतरी का अभियान अनुज्ञा पत्र कटवाया था और 21 तारीख को एचएमटी ट्रेडिंग से विजय अग्रोटेक बालोद का, जिसको यहाँ की एसडीएम जो है श्री थॉमस, उन्होंने जब्ती बना के गाड़ी को थाने में डलवा दिया। उसमें कागजात तो कहीं दूसरे फर्म की जगह में था स्थान का और दूसरे जगह वो खाली हो रहा था, इस कारण से अवैध व्यापार के अंतर्गत उसका प्रकरण तैयार किया गया था। उसमें उनके द्वारा हाई कोर्ट से आदेश लाया था कि इसको नियमानुसार इसका मंडी शुल्क या जो भी होता है उसका ले करके इसको रिलीज किया जाए। कमलनाथ सरकार की एंटी